बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारी उर्दू की क्लास। आज मैं आपको आदि अशकाल को वाव के साथ जोड़कर लिखना सिखाऊंगी। ठीक है, इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आदि अशकाल को अलिफ के साथ जोड़कर लिखना सीखा था। हमने आदि अशकाल को अलिफ के साथ जोड़कर लिखना सीखा था। आज हम आदि अशकाल को वाव के साथ जोड़कर लिखना सीखेंगे। आदि अशकाल में हमारे पास सबसे पहले है ब साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल। अब हमने ब के साथ ओ को जोड़कर लिखना है। हमने ब के साथ ओ को जोड़कर लिखना है। अब हम ब को ओ के साथ जोड़ कर लिखेंगे। जैसे हमने अलिफ को ब को अलिफ के साथ जोड़ कर लिखा था, इसी तरह हम लिखेंगे। यहाँ लाइन से थोड़ा सा ऊपर से हम शुरू करेंगे और फिर वाव बना कर लाइन के साथ टच करेंगे और इसके नीचे एक नुक्ता आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? ब ओ बो। ब के बाद है हमारे पास प साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल। अब हमने प के साथ ओ को भी जोड़ कर लिखना है। ये हमारे पास आदि अशकाल है ना, तो प के साथ हमने किसको जोड़ना है? ओ को। ये देखे लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे, फिर वाव बनेगा और फिर तीन नुक्ते। तो ये क्या बन गया? प ओ पो। प के बाद है हमारे पास त साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल। अब हमने त के साथ भी ओ को जोड़ कर लिखना है। ये देखिए त ओ, तो ये क्या बन गया? त ओ तो। त के बाद है हमारे पास ट साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल। अब ट के साथ हमने ओ को जोड़ना है। ये हमारे पास क्या है? वाव। और वाव क्या कहता है? ओ। वाव क्या कहता है? ओ। हमने ट के साथ ओ को जोड़ कर लिखा। ट के बाद है हमारे पास स साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल। अब यहाँ पर हम स के साथ किसको जोड़ेंगे? ओ को जोड़ेंगे। ये देखिए, इसके बाद है हमारे पास ज साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल। और अब हमने जोड़ना है ज के साथ ओ को। ज का हमने बहुत बड़ा सर नहीं बनाना, छोटा सा सर बनाना है और थोड़ा सा आगे ले जाकर फिर हमने वाव बनाना है। तो ये क्या बन गया? ज ओ जो। ज के बाद है हमारे पास च साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल। और फिर है च ओ चो। हमने ओ को लाइन से नीचे नहीं लेकर जाना। च ओ चो के बाद है हमारे पास ह साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल। और ये देखिए ह के साथ हमने किसको जोड़ कर लिखा? ओ को जोड़ कर लिखा। ह के बाद है हमारे पास ख साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल। और ख के साथ हम वाव को जोड़ लेंगे। और वाव क्या कहता है? ओ। वाव क्या कहता है? ओ। तो ये क्या बन गया? ख ओ खो। ख के बाद है हमारे पास द साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल। अब हमने क्या करना है कि द के साथ हमने ओ को जोड़ना है। ये देखिए द, इसके साथ हमने ओ को जोड़ा। तो ये क्या बन गया? द ओ दो। इसके साथ हमने द को जोड़ कर नहीं लिखना, क्योंकि द की तो आधी शक्ल हुई ही नहीं थी, उसको तो चोट ही नहीं लगी थी। द के बाद है हमारे पास ड साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल। अब हमने यहाँ पर ड भी लिखना है और साथ हमने ओ भी लिखना है, लेकिन दोनों को जोड़ना नहीं है। ड के बाद है हमारे पास ज साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल। अब यहाँ पर आएगा ज और फिर है
ओ, तो ये क्या बन गया? ज ओ जो। ज ओ जो के बाद है हमारे पास र साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल, फिर है र और आगे ओ, तो ये क्या बन गया? र ओ रो। र के बाद है ड साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल, यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट ड, और ड के बाद हमने लिखना है ओ, तो ये क्या बन गया? ड ओडो। ड के बाद है ज साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल, और ज ज के साथ ही हमने लिखा ओ। ज के बाद है हमारे पास ज साइन ऑफ प्लस, ओ साइन ऑफ इक्वल, यहाँ पर हम लिखेंगे ज और फिर हम लिखेंगे इसके साथ ओ। तो ये थी हमारी आदि अशकाल ब से लेकर ज तक, जिनको हमने वाव के साथ जोड़ कर लिखना सीखा। इसी तरह हमारा बुक पेज है जो अभी हम रीडिंग करेंगे, हमारी बुक का पेज नंबर है 20, पेज नंबर है 20, जिस पे हम करेंगे रीडिंग। ये देखें, ब ओ बो, प ओ पो, त ओ तो, ट ओ टो, स ओ सो, ज ओ जो, च ओ चो, ह ओ हो, ख ओ खो, द ओ दो, ड ओ डो, ज ओ जो, र ओ रो, ळ ओ ळो, ज ओ जो, ज ओ जो। आज हमने ब से लेकर ज तक जो है वो आदि अशकाल को वाव के साथ जोड़कर लिखना और पढ़ना सीखा। इंशाल्लाह इससे आगे वाला काम जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।